हमने तो अब आवाज उठाई। सरकार कह रही है कि आप दफ्तरों को छोड़ के यहाँ बैठेंगे तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें हमारे चल जाता है, क्या रुक रहेगा। बिल्कुल सर, हम कुछ सोच समझ के ही बैठे हैं, बीच में भाग मैदान छोड़ के भागने वालों में नहीं है। 35400 के लिए बैठे हैं तो 35400 से लेकर ही उठेंगे। इतना ईजी नहीं होगा, इतना ईजी कोई नहीं मानने वाला। एक महीना हो चुका, 2 महीने 3 महीने, जब तक मांग नहीं मान ली जाती हम अपने धरने से उठने वाले नहीं। हम लायक हैं, ना लायक नहीं है। ये बताइए कि नो वर्क नो पे के बाद क्या माहौल है यहाँ का? आप देख रहे हो, नो वर्क, जब से ये नो वर्क नो पे का लेटर आया था उसके बाद से हमारे जो साथियों में और जोश बढ़ा है, और जो साथी मान लो 2-4 साथी हमारे नहीं आ पा रहे थे किसी कारण से, वो भी अब यहाँ बराबर आने लग गए हैं। और ये सरकार को दिखा दिया हमने कि हम चाहे नो वर्क पे नो पे कर दें, ये कुछ भी कर दें जी, हम इस आंदोलन से पीछे हटने वाले नहीं है जब तक सरकार 35400 हमें नहीं देती। और कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं जो महिला लिपिक है, उनसे जानेंगे। सरकार का एक नारा था भाई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़गी नौकरियां लगी, उसके बाद सड़कों पर बैठने को मजबूर। आप कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदारी होती है चूल्हे चौके की, वो एक महिला के ऊपर होती है। तो उनसे जानने का ये प्रयास करेंगे कि भाई किस प्रकार से 19900 जो ग्रेड पे है उसमें क्या क्या समस्या। नमस्कार बहन जी, ये बताइए कि क्या क्या समस्याएं 19900 के दौरान जो चूल्हे चौके का माहौल है उसमें आती हैं? सबसे पहले मैं 19900 ने सामाजिक जो समस्या है मैं वो देखती हूँ। मतलब हर कोई कहता है बेटी लग गई जी, ठीक है, समाज में एक इज्जत हो जाती है, सरकारी नौकरी, लेकिन वही समाज वाले फिर ये कहते हैं कि क्या 19900 क्या है जी, इससे तो अच्छा मतलब एक चाय वाला होता है ना, वो भी कमा लेता है अच्छा खासा जी। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा तो बहुत देने हैं, लेकिन देखो हमारे यहाँ सारी बेटियाँ हैं, सारी बहुएं, सारे सुबह काम करके आती हैं, 9 से 5 यहाँ बैठती हैं, और ये सब इनकी जिम्मेदारी नहीं है, सारी सरकार की वजह से हो रहा है जो हो रहा है। अब सरकार है, सरकार पीटीआई का, ड्राइंग टीचर्स का, बाकी जो कर्मचारी है उनका भी तो ग्रेड पे बढ़ा रही है, उनका भी तो पीछे का एरियर दे रही है, और हमारा तो 1957 से कंटिन्यू हमारा शोषण होता आ रहा है, फिर भी सरकार ये कह रही है कि हमारी वजह से सरकार के बजट पे बोझ पड़ रहा है। कैसे पड़ रहा है, मैं तो उनसे ये पूछना चाह रही हूँ। हमने तो अब आवाज उठाई। सरकार कह रही है कि आप दफ्तरों को छोड़ के यहाँ बैठेंगे तो आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें हमारा जो शोषण है ना उसका हिसाब किताब कर दो, हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें 1 महीने नहीं मिलेगा, हम ये सोच लेंगे 1 महीने बाद नौकरी लगे थे, पर कम से कम हमारा जो मान सम्मान है, हमारा हक है, वो तो हमें लौटा दीजिए। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम नरेश सिंह मान है, और मैं यहाँ काउज में कैशियर का काम देखता हूँ, जिला कैशियर। तो मतलब ये सारा जो धरना पर लेखा जो कहा हुआ है, तो ये निरंतर दौर था। पहले तो यही बता दो कि कैसे पैसे जुटा करके क्यों कर धरना चलाया जाए निरंतर। डिपार्टमेंटों का इसमें सहयोग है, सभी डिपार्टमेंटों ने आर्थिक सहयोग इसके अंदर किया है, उसके अंदर डीपी, चाहे डीसी ऑफिस है, चाहे पब्लिक हेल्थ है, चाहे एजुकेशन है, वेलफेयर सोसाइटीज है, सब लोगों ने यहाँ पर आर्थिक रूप से मदद की है, उसके दम के ऊपर ये धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है। क्या उम्मीद है, कितने दिनों तक और चला सकते हैं इस प्रकार से? ये सरकार के ऊपर डिपेंड है, सरकार कितने दिन इसको चलाना चाहती है, कितने दिन हमारी परीक्षा लेना चाहती है। हमारी लड़ाई तो 1969 से स्टार्ट है। क्या लग रहा है, परीक्षा लंबी चलेगी? परीक्षा कितनी लंबी चलो, हम हर परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, मानसिक रूप से आर्थिक रूप से बिल्कुल सबल है, और सरकार के सामने बिल्कुल भी घुटने नहीं टेकेंगे। एट लास्ट सरकार ने ही हमारे सामने घुटने टेकने का। 35400 से नीचे की भी कोई गुंजाइश है? 35400 से नीचे की इसलिए गुंजाइश नहीं है क्योंकि ये जो सारणी आपको दिखाई दे रही है ना उधर, ये 1969 से और 2023 तक
कलरकों के साथ में जो शोषण हुआ है उसको बयां करती है। टाइम टू टाइम फाइनेंशियल कमीशन आते रहे और कलरकों की वेतन के अंदर कटौती करते रहे। वो आज वो फासला बहुत ज़्यादा दिखाई देना शुरू हो गया गवर्नमेंट को, और वो ये कहते हैं कि 1900 से लेकर के और सीधा 3500 कैसे करते हैं। तो टाइम टू टाइम अगर कांग्रेस पार्टी ने या दूसरी जो भी पार्टी आई उन्होंने हमारा राइट हमारे को टाइम पे दे दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती, इतना ये बड़ा फासला दिखाई नहीं देता। हाँ, ये माला क्यों पहन रखी है सर? ये भूखट ताल पे है जी। हम रोज एक टीम भूखट ताल पे रहती है। वैसे तो अलग अलग बैठते हैं पर मैं परमानेंट बैठा हूँ। कितने दिन से बैठे हैं? मैं 15 दिन हो गए जी। 15 दिन से निरंतर भूखट ताल पे, कुछ नहीं खाते हैं? नहीं जी। सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को ये कहना चाहेंगे जी 3500 दे दे सरकार, मान इन बच्चों की बातें मान जी सरकार। आज का जमाना 200 रुपये किलो टमाटर हो रहा है, 150 रुपये किलो चावल हो रहा है, 40 रुपये किलो दूध, 40 रुपये किलो मतलब गेहूँ हो रही है, 100 रुपये किलो और भी मतलब दूध है और कुछ है, मतलब उनका खर्चा चल रहा है कौन इसमें। और जबकि 1957 में JBT का और क्लरिकल का, डिप्टी रेंजर का, जेई का, सबका एक ग्रेड था, ठीक है। कुछ दिन तो एक ग्रेड चले, अब इसको घड़ा पीछे पछाड़ दिया जी। और आजकल सारे पढ़े लिखे बच्चे, इनने पिछला सारा रिकॉर्ड देखा तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये बताइए सर कि 3500 की जो बात है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी लग रही है कि जो सरकार निकम्मी है उस सरकार को बदलना है, तो 3500 अगर दे देती है तो कलरक बदलेंगे नहीं सरकार? देखो, हमें सरकार से पर्सनली कोई मैटर नहीं है। ये सारी स्टार्ट हुई, हम अपना हाथ मांगने के लिए करनाल गए थे 18 जून को, लेकिन निठल्ली सरकार ने हमारे को CM के साथ में कोई मीटिंग नहीं फिक्स करवाई। टाइम देने के बाद में वो अपना जो है ना मुकर गई। 4 जुलाई तक हमारे को टाइम दिया था कि 4 जुलाई तक आपको CM की मीटिंग करवा देंगे, लेकिन ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई। फिर हमारे को मजबूर होकर के धरना प्रदर्शन और अनिश्चितकालीन हड़ताल के ऊपर बैठना पड़ा हमने, तो गवर्नमेंट ने खुद मजबूर किया है, गवर्नमेंट इसके लिए जिम्मेवार नहीं है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अगर 3500 दे देती है तो खुश हो जाएंगे सरकार को, फिर से वोट करेंगे। बिल्कुल, अगर गवर्नमेंट हमारी इन 3500 की मांग को जायज़ मानती है, ठीक ढंग से लेती है और तुरंत दे देती है हमें, सह सम्मान उठाती है, तो हम भी सरकार का जो है मान सम्मान रखेंगे, क्यों नहीं रखेंगे जी। जी, क्या नाम है सर? मैं रितु, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। देखो, जो पार्शियलिटी है, भेदभाव है क्लर्क के साथ, 1986 से होता आ रहा है जी। अगर 1900 की बात करें हम, 1900 फिक्स हो गया था 2006 में जी। अब हम 2023 में हैं, मतलब 8th पे कमीशन आने वाला है। बात करें तो हमें 2 डिकेड्स होने वाले हैं। 1900-2006 में हुआ था, उसके बाद हमारा कोई भी जो पे है, पे बैंड है, उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं किया गया। क्या उसके बाद से महंगाई नहीं बढ़ी? और दूसरी बात, ये सरकार जो कॉन्फ्रेंस है उसमें ये बात कह रही है बार बार कि आप पहले कहाँ थे, आप पहले क्यों नहीं आए। मैं अभी 2020 बैच की हूँ, तो अप्रोक्स 3 साल मुझे हो गए, सेप्टेम्बर में हो जाएंगे। हम अब उठ गए, हमें पता है कि हमारा शोषण होता आ रहा है। अगर हम अपनी आवाज़ अब नहीं उठाते तो आने वाले टाइम में उठाते, तो गवर्नमेंट कहती है हमें कि तुम पहले कहाँ थे। हमने अब आवाज़ उठाई है, अब आप हमारी समीक्षा क्यों नहीं कर रहे, ठीक है? आप बार बार कहते हैं कि पहले क्यों नहीं आए। गवर्नमेंट से भी ये क्वेश्चन होना चाहिए कि आप लोगों ने खुद से समीक्षा क्यों नहीं की। जब सबकी बढ़ गई सैलरी, पे ग्रेड बढ़ा है, तो हमारा क्यों नहीं बढ़ाया? दूसरी बात, कोई भी फाइल है, PUC है, पुटअप हम करते हैं, अगर उसको बाई मिस्टेक, क्योंकि ओवरलोड इतना होता है काम ब्रांचेज में, किसी भी क्लर्क के पास बाई चांस 15-20 दिन हो जाते हैं किसी भी फाइल को, तो हमारा एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण निकल जाता है, सेकंड में निकाल देते हैं ऑफिसर, और उसकी जवाबदेही हमें ही देनी पड़ती है। अब गवर्नमेंट से कोई ये पूछे, 40-50 साल होने वाले हैं, हमारे कार्य की समीक्षा क्यों नहीं की गई, उनका क्या कोई हक नहीं बनता? किसके प्रति जवाबदेही है गवर्नमेंट? बस कर्मचारी है तो उनके ऊपर अपने अधिकार जो है वो थोपते जाओ। और ये बताइए, आप जैसे 2020 बैच की हैं, तो कुछ कलरकों से ऑफ द रिकॉर्ड में जब बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि हमें तो 25700 भी चलेगा, तो इस पे क्या रुख है कि मतलब जो पीछे से लगे हुए हैं उनको तो 3500 चाहिए लेकिन हमें चल जाएगा अगर इतना भी सरकार कर देती है, तो उस पे क्या सोच रहे हैं? 3500 नहीं, 3500 है पहले। जी, 3500। उनका जो भी कहना है सर, मुझे नहीं पता कौन कह रहा, कह भी रहा, मुझे नहीं लगता कोई कहेगा, क्योंकि काम इतना है जी। डेयरी डिस्पैच रिकॉर्ड कीपिंग ही नहीं है हमारे पास, इवन बहुत मल्टीपल वर्क मैंने खुद किया है,
RTI ये CM विंडोज को डील किया है, ODMS पेंशन केसेस, ये मेडिकल बिल्स, डायरेक्ट डिस्पैच, तो एडिशनल वर्क हमारे पास, और पूरा दिन इतना बिजी रहता है शेड्यूल। 35,400 के बगैर कुछ नहीं होगा। आज का टाइम जो महंगाई का दौर है ना, उसमें 35,400 से ही काम चलेगा। 25,500 कह रहे हैं या 19,900 है, वो बिल्कुल उसमें कुछ नहीं होना आज के टाइम। जी ये बताइए बहन जी, अगर आंदोलन लंबा चला, अभी कह रहे देखिए सोच लेंगे एक महीने की तनख्वाह, अगर कई महीनों तक आंदोलन चल गया तो और तनख्वाह रुक गई तो उसको कैसे देख रहे हैं सर? इसी उसमें गवर्नमेंट अपना पॉलिसी लेके आई है, नो वर्क नो पे। इससे गवर्नमेंट का क्या मोटिव है, इनको डरा धमका के किसी भी तरह से तोड़े। लेकिन हमने फर्स्ट डे 5 जून को जब हम बैठे थे, यही सोच के बैठे थे कि इतना इजी नहीं होगा, इतना इजी कोई नहीं मानने वाला। एक महीना हो चुका, 2 महीने 3 महीने, जब तक मांग नहीं मान ली जाती हम अपने धरने से उठने वाले नहीं। हम लायक हैं, नालायक नहीं है। वो तो ठीक है, क्योंकि कई देखें इस सरकार में आंदोलन, किसानों का आंदोलन 1 साल से भी अधिक चला, तो अगर ये साल से ऊपर आंदोलन चल जाता है क्या रुक रहेगा? बिल्कुल सर, हम कुछ सोच समझ के ही बैठे हैं, बीच में भाग मैदान छोड़ के भागने वालों में नहीं है। 35,400 के लिए